बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदो व या कनस्ताइन। एक मिनट, एबी आवाज नहीं आएगी आपको अगर बस 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 बस, बस, बस। क्या 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 वाले अच्छा सुन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खामोशी, आवाज नहीं आएगी। खामोशी खामोशी खामोशी। बस 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 बस। अच्छा जी आईएसएफ, खामोशी आईएसएफ। अच्छा जी सबसे पहले आईएसएफ आपके लिए ये जो आने वाला महीना है सितंबर का, ये आप सब एक समझ जाएं कि कौमों की जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है कि आप अपने मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। अब जरा थोड़ा सा आपने खामोशी से सुनना है कि पाकिस्तान में 75 सालों में ये पहली दफा एक मौका मिला है कि हम अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद कर सकें। इसके लिए जिस तरह पाकिस्तान की तहरीक में पाकिस्तान के नौजवानों ने और पाकिस्तान की तब की ख्वातीन ने जो उन्होंने तब जदोजहद की, उसकी वजह से आज हमारा मुल्क अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदू की गुलामी में नहीं गया। उस जदोजहद की वजह से आज कम अज कम हमारे ऊपर कोई मुसल्लत नहीं किया गया सिवाय ये चोरों का टोला। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनो जरा, नौजवानों सुनो जरा, अब वक्त आ गया है कि अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद किया जाए। और उसका उसका मतलब आपने सबने समझना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि सितंबर के महीने में आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके तबलीग करनी है। ये जो वक्त है ये ऐसा वक्त कभी कौमों की जिंदगी में बार बार नहीं आता। ये है वक्त कि हम अपने मुल्क को एक खुददार एक गैरतमंद कौम बना सकते हैं। इसके लिए मुझे आप सबकी जरूरत है और मैं चाहता हूं आईएसएफ, मैं ये चाहता हूं कि कैंप्स लगाएं यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में, लोगों में तबलीग करें। देखें आजादी की जब आप जदोजहद करते हैं यह सियासत नहीं होती, यह इबादत होती है। जो कायदे आजम के साथ इस मुल्क के नौजवानों ने जब जदोजहद की आजादी की तहरीक के लिए, तो वो सियासत नहीं थी, वो इबादत थी। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि जब वो कहता है, जब आप दावा करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आजादी की तहरीक इबादत में शामिल है। ये जब मुझे कहते हैं कि आप सियासत ना करें, इस वक्त सैलाब के अंदर लोग बड़े मुतासर हैं, मैं इनको ये जवाब देता हूं कि सैलाब के मुतासरीन
वो भी मेरी जिम्मेदारी है, उनके लिए इंशाल्लाह सबसे ज्यादा काम करूंगा मैं। और उसके साथ साथ और डीजल से तो वाकई ज्यादा काम करूंगा इंशाल्लाह। बस बस सुनो सुनो, उसके अलावा मैं अपनी आजादी की तहरीक के लिए भी भरपूर तरीके से काम करूंगा और आपने सबने मेरी मदद करनी है इसमें, क्योंकि आजादी आपकी है। आजाद कौम की बड़ी परवाज होती है। गुलाम तो सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं, सिर्फ एक आजाद कौम इकबाल की शाहीन बनते हैं जो परवाज ऊपर करते हैं। तो हमने आजाद पहले तो होना है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, कोई बैरून मुल्क बाहर बैठ के हमारे मुल्क के ऊपर चोरों को मुसल्लत ना करे। हम अपने फैसले करें, हम फैसले करें, एक अभी नहीं, हम फैसला करेंगे कि अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिलता है और लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ कम करते हैं तो हम रूस से तेल लेंगे। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को किसी की जंग में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, हमें कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए कि हमारे मुल्क के ऊपर से ड्रोन जाके किसी और मुल्क के ऊपर हमला करें, क्योंकि हम अमन में लोगों के साथ हैं, जंग में किसी के साथ नहीं है। क्योंकि अमेरिका की जंग में 80,000 हमारे लोग मारे गए, कुर्बान किए गए अमेरिका के लिए, हम बिल्कुल किसी की जंग में शामिल नहीं है। वो तब होगा जब फैसले पाकिस्तान के पाकिस्तानी करेंगे। ये अमेरिका के गुलाम, ये जो चोर हैं, तो इनसे आजाद होना है सबसे पहले, इनसे आजाद होना है। और दूसरा, हम एक मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। ये जो ऊपर बड़े बड़े डाकू चोरी करते हैं और फिर ब्लैकमेल करके एनआरओ ले लेते हैं, 1100 अरब रुपए का इन चोरों ने आज के साथ ही इस मुल्क के ऊपर डाका मारा है। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस से आते साथ ही इन्होंने अमेंडमेंट पास की असेंबली में, और 1100 अरब रुपया जो इस कौम का चोरी हुआ था इन्होंने माफ करवा लिया। तो हमारी जंग कानून की है। हम इस मुल्क में वो कानून चाहते हैं जो ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून बने। ताकतवर जब ताकतवर चोरी करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जिस तरह के कमजोर चोरी करे। ये नहीं कि कमजोर जेल में जाए और ताकतवर को हमारा कानून इंसाफ के कटहरे में ना खड़ा कर सके। ये हम कानून नहीं चाहते, हम इंसाफ चाहते हैं। और ये याद रखे, इंसाफ इंसाफ लोगों को आजाद करता है। जिस मुल्क में इंसाफ होता है लोग आजाद होते हैं। तो ये जो हमारी आजादी की तहरीक है इसमें कानून की हुक्मरानी, इसके लिए हमने पूरी जद्दोजहद करनी है। आपने मेरे साथ मिलके करना है, आपने कॉलेजेस में जाना है, यूनिवर्सिटीज में जाना है, तैयार करना है लोगों को। बताएं तैयार हो आप, जरा बताएं हाथ खड़ा करके। 5 सितंबर को हमारी मेंबरशिप कैंपेन है। ISF ने 5 सितंबर को यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मेंबरशिप कैंपेन कर रही है। आपने सही माने में मेरी टीम बन के तैयार करना नौजवानों को, क्योंकि इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा, सारे मेरे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के नौजवान तैयार हों,
जब मैं आपको कॉल दूंगा, आपने मेरी कॉल पे आजादी की, हकीकी आजादी की तहरीक में आपने निकलना है। बाकी इंशाल्लाह कल मेरा सरगोधा में जलसा है और उस जलसे में बाकी मजीद बातें करूंगा कि अपनी कौम को तैयार करूंगा हकीकी आजादी के लिए। और हमारी आईएसएफ की हमारी जो जुनूनी हमारी ख्वातीन है, आपने भी पूरा काम करना और लोगों को इकट्ठा करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।